आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेगा के ट्रिमर के बारे में, जो मैंने 2018 में परचेस किया था। अनबॉक्सिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पहले तो आपको मैं इसका बॉक्स बता देता हूँ। ये देखिए, जहां पे मुझे 599 रुपीज में वेगा मैन टी अमेज यूएसबी चार्जिंग बियर्ड ट्रिमर मिला था। चार कोम अटैचमेंट इसमें दिया गया है आपको। यूएसबी चार्जिंग केबल है, कॉर्डलेस यूज है, 60 मिनट ऑपरेशन टाइम है इसका। और साथ ही मैं जरा यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप देखोगे तो इसका जो ब्लेड से स्टेनलेस स्टील ब्लेड से स्मूथ टिप से फॉर कंफर्टेबल स्किन कॉन्टैक्ट, चार कोम अटैचमेंट्स। आपको इसमें मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो कोम आपको दिया जाता है ट्रिमर में, नॉर्मली आपके दाढ़ी के लेंथ के हिसाब से आप उसे अपने ट्रिमर में लगाकर ट्रिम कर सकते हैं। जैसे हर किसी का अपना एक पसंद होता है, किसी को जैसे आप फोटो में देख रहे हो थोड़ा सा माइल्ड बियर्ड पसंद होता है, किसी को दाढ़ी का लेंथ बड़ा रखना पसंद होता है, तो उस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला था, तो सबसे पहले हमारा ये वेगा का ट्रिमर है, यहां पे चार कोम अटैचमेंट्स, आपको वो भी बता देते हैं। ये चार कोम अटैचमेंट्स हमें दिया गया था। जैसे हमने आपको बताया पहले कि दाढ़ी के लेंथ के हिसाब से आप इसे अपने ट्रिमर पे लगाकर, आप अगर देखोगे तो चारों का ही साइज अलग है, अपने दाढ़ी पे लगाकर आप ट्रिम कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोम आपको दिया गया है, तो यहां पे आप इसे ट्रिमर को जब आप ट्रिम कर लेते हो तो उसके बाद में आप उसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो जहां पे मान लीजिए यहां पे कहीं पे चूट जाता है, जैसे मुझे खुद यूज करके इसे 2 साल के आसपास हो गया, तो आप देखोगे तो यहां पे कुछ थोड़ा सा रस्ट इसे पकड़ लिया है ट्रिमर को, तो यहां पे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इसमें आपको दिया जाता है ये यूजर मैनुअल, तो यूजर मैनुअल भी जरा आपको ओपन करके बता देता हूं। ये देखिए, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहां पे मिल जाएगा, बियर ट्रिम करना है, किस तरीके से चार्जिंग करना है, क्या वार्निंग है, ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस टाइमिंग के साथ। ये वेगा के वेबसाइट में, और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट आप जब परचेस करते हो तो आपको स्टार्टिंग में वारंटी भी दिया जाता है। इसके बाद में ये देखिए, वारंटी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे है। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये वारंटी कार्ड है, आप इसे फिल करा के ले सकते हो। जैसे मैंने डीमार्ट से परचेस किया था और नॉर्मली मुझे वारंटी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, तो मैंने ये फॉर्म नहीं भरवाया हूं। इसके साथ आपको जो दिया जाता है वो है ये ऑयल थोड़ा सा, जो आप ट्रिमर को इसे ओपन कर ट्रिमर में यहां पे डाल सकते हो, तो थोड़ा बहुत मशीन को ऑयलिंग मिल जाएगा आपका। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, मुझे ये प्रोडक्ट अब तक के पसंद आया है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कुछ भी आपका फीडबैक या सजेशन होगा वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, शुक्रिया।